जब आपके बेटे बड़े हो जाएं, शादी वादी कर दो, तो आप लोग भी ना तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। घर पे क्यों पड़े रहना है आप लोगों को? आपको अच्छा लगता है घर में? नहीं करता मन बाहर जाने का कि चलो वृंदावन चलें, अयोध्या जी चलें। जवानी भर खूब पैसा कमाओ और बुढ़ापे में तीर्थों में जाकर सत्संग करो, कीर्तन करो, कथाएं सुनो, दान पुण्य करो और घर में ज्यादा ना रहो। घर में ज्यादा रहोगे ना तो घर वाले रहने नहीं देंगे। सोचो कि 2 महीने तक सास तीर्थों में हो और 2 महीने बाद जब घर जाएगी तो बहू आओ सासू माँ आओ, बादाम का हलवा खाओ, ये खाओ। वो घर में ही पड़ी तो बहू कहती बुढ़िया टरती ही नहीं सास। जाती ही नहीं कहीं। इसलिए मैया, ओ मेरी माँ बहू है आपकी, तो आप घर पे ही रहती हो? अच्छा, आप दोनों अलग अलग रहती हैं? ये यार, तो आप अलग रहती हो। चलो जब अलग ही रहना है तो घर पे क्यों रहना, फिर तीर्थों में रहा करो। भाई रहने ही हैं तो फिर दूर रहो। बुढ़ापा देखो, शादी बेटा बेटी की करो और अपना निकल जाओ, अपने बेटा बेटी को जिम्मेदारी दे दो। अच्छा, सारा पैसा ना दे देना बच्चों को, थोड़ा अपने पास बुढ़ापे के लिए रखना, वरना बेटा लेके चलो विदाई कर दे, चलो जाओ, है ना। तो थोड़ा बहुत दे के बच्चों को कि भाई अपना करो खाओ, और अपना आप थोड़ा तीर्थ यात्रा पर जाओ। 1 महीना जगन्नाथ जी रहो, जगन्नाथपुरी में रह के खूब जगन्नाथ जी का प्रसाद पाओ, सत्संग करो, वृंदावन आओ, गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाओ, सत्संग करो, तीर्थों में जाओ, रोज परिक्रमा लगाओ, रोज गंगा नहाओ, रोज यमुना नहाओ, रोज बिहारी जी का दर्शन करो, अब भजन करो, नाम जप करो, संतों की शरणागति लो, संतों का आनंद लो, संतों की संगति करो। घर पे क्या मिलना है? दिन भर वही सास बहू की किच 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 चल रही है, दिन भर वही तू तू मैं मैं। तुम्हारा पेट भी नहीं भरता इस सब से कि चलो निकलो। ये सब सुन सुन के ना 100 जूते खा के भी आदमी घर पे ही पड़ा रहता है। सही बोल रहे हैं, इतना आसक्त है। विभीषण ने जब तक लाते नहीं खाई ने तब तक निकले नहीं विभीषण भी। कुछ लोग लातों से ही मानते हैं, बातों से तो हनुमान जी ने समझाया था विभीषण को कि चलो राम जी की शरण में। नहीं, अभी नहीं आएंगे, मेरा भैया रावण है, रावण। अच्छा, जा भैया के पास। गया तो भैया ने लात मार दी, अले। और जब लात खाई तो विभीषण भागे, राम जी हे प्रभु बचाओ। तो कुछ लोग बातों से, या तो आप मेरी बातों से मान लो या फिर आप ही बताओ कैसे मानोगे।